नमस्कार दोस्त, आज हम आपको बताएंगे कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्ले स्टोर से हम फेसबुक डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर से फेसबुक डाउनलोड करने के बाद हम फेसबुक ऐप्स डाउन जब लोड हो जाएगा तो हम फेसबुक ऐप्स को खोलेंगे। फेसबुक ऐप खुल रहा है तो अगर हमें क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट खोलना होगा तो मैं क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है व्हाट इज योर नेम, तो क्या करेंगे पहले नाम डालेंगे। अब नाम मानो मैं नाम बनाऊंगा राहुल राहुल, और सरनेम मान लीजिए सिंह डालूंगा सिंह। अब हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नेम राहुल, सरनेम सिंह हो गया। तो मैं क्या करूंगा फिर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद अब बोल तो ठीक है, हम क्या करेंगे जन्मतिथि चुनेंगे। मानिए मैंने जन्मतिथि कर दिया 2001 किया और इसको किया जनवरी। ठीक, अब मैं क्या करूँगा फिर दोबारा नेक्स्ट करूँगा। तो क्या करेंगे, दो ऑप्शन आ रहे हैं मेल या फीमेल, तो हम मेल को चुनेंगे। आप फीमेल होंगे तो फीमेल को भी चुन सकती हैं, तो हम क्या करेंगे मेल को चुना। फिर उसके बाद क्या करना नेक्स्ट करने को, तो मैं नेक्स्ट फिर कर दिया। अब बोला अपना मोबाइल नंबर, तो हम क्या करेंगे तो अब हम क्या करेंगे कि अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। अब मेरा मोबाइल नंबर इंटर हो गया है, अब मैं क्या करूँगा अब दोबारा नेक्स्ट कर दूँगा। तो चलिए मैं ऐसा ही चुनता हूँ, तो मैं मानो कुछ भी चुन लेता हूँ। ठीक है, हो गया मेरा। अब मैं कि दोबारा क्या करूँगा नेक्स्ट करूँगा। ये क्या कह रहा है कि इस मेल एड्रेस नहीं, तो मैं क्या करूँगा मोबाइल मेल एड्रेस डालने के लिए या ऐड करने के लिए, तो मैं मेल एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसको स्किप कर दूँगा। तो मैंने एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लेना। माय कैपिंग साइन एग्री इन योर टर्न एंड डाटा पॉलिसी एंड क्विज पॉलिसी इस मे बी रिसीव एमएस नोटिफिकेशन फ्रॉम अस एंड कैन बी ऑप्शन आउट एट एनी टाइम। तो मैंने पढ़ लिया, तो मैं क्या करूँगा साइन अप करूँगा। अब साइन इन हो रहा है मेरा और मुझे एक कोड प्राप्त हो रहा है, जो कोड मैं साइन इन होने के बाद उसमें भरूंगा। ये क्या कह रहा है, लॉग इन विथ फोन टैप नेक्स्ट टैप, बोला या तो आप पासवर्ड इसमें सेव कर सकते हो या अभी नहीं कर सकते हो। अगर मैं सेव कर दूंगा तो हमें लॉग इन बार बार नहीं करना पड़ेगा, जब मैं खोलूँगा तो वो अपने आप खुल जाएगा, तो मैं अभी इसको सेव नहीं करता हूँ। तो मैंने क्या बनाया था, ये मेरा ये है मोबाइल नंबर ए पासवर्ड, तो मैंने क्या किया अब इसको ओके कर दे रहा हूँ। बोला कि
अपलोड कंटेंट, डू नॉट अपलोड कंटेंट। अभी मैं क्या करूँगा, कंटेंट को अपलोड नहीं करूँगा, आई डू नॉट अपलोड कंटेंट। इट्स योर ईमेल एड्रेस बिकॉज सर जीमेल अकाउंट ये चीज कंफर्म अकाउंट ऑटोमेटिकली है। तो ठीक है, चूज इन योर गैलरी, या बोला कि आप फोटो लगा सकते हो या अभी हटा सकते हो, बाद में फोटो लगा सकते हो। लेकिन अभी मैं फोटो नहीं लगाऊंगा, मैं बाद में लगा लूंगा। तो अभी क्या करूंगा, इसको स्किप करूंगा। तो यहाँ से लिखा है गेट स्टार्ट, तो हम लोग गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड ए फ्रेंड, बोला कि अभी फ्रेंड को ऐड करना है या अभी हटा के बाद में भी कर सकते हो। तो वो हमें कुछ सेलेक्टेड फ्रेंड देगा जिसको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जैसे परसोत्तम, विकास, कैलाश, वकील। हाँ, तो इन पांच को हम अभी भेज सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं करना है, मैं क्या करेंगे बाद में करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं इसको स्किप कर दूँगा, स्किप। बोला सेव योर लॉगिन इंफॉर्मेशन, तो ठीक है हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो हम फेसबुक पे मेन पेज पे आ गए। तो यहाँ से होम हो गया, आप किसी को शो करना होगा वीडियोज या जिसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उनका, ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगा। और आप यहाँ से फेसबुक की वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ से आप मेनू में जाके आप अपना राहुल सिंह का प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो, मार्केटिंग प्लेस कर सकते हो, आपकी जो मेमोरी होगी यहाँ पे होगा, पेज आप बनाना चाहते थे यहाँ से कर सकते हो। तो आप और यहाँ पे प्राइवेसी होगी, और यहाँ जॉब का कुछ आपके नियर फ्रेंड जो होंगे यहाँ पर होगा, आपको इवेंट के कुछ लिखना चाहते हैं वहाँ होगा, और आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आप बहुत सिंपल तरीके से फेसबुक अकाउंट बनाना सीख गए होंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ऐसे नॉलेजबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।